हमारा समाज विज्ञान के क्षेत्र में बहुत तरक्की कर चुका है, उसके बावजूद अंधविश्वास एक कुरीति के रूप में हमारे समाज में आज भी फैला हुआ है। अधिकतर लोग ईश्वर और ईश्वर से संबंधित सभी तथ्यों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। वे कभी भी अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग नहीं करते। आज के समाज में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य कहीं भी माथा टेकने के लिए तैयार। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव आई सिनेमा आज फिर आपके सामने प्रस्तुत है एक नई रोचक कहानी लेकर। इस कहानी का उद्देश्य समाज और समाज में फैली हुई अंधविश्वास की कुरीति को मिटाने का है। उम्मीद करता हूँ हमारा यह प्रयास आपको पसंद आएगा। एक बात की बात है, किसी मजार पर एक फकीर रहा करते थे। रोज सैकड़ों भक्त उस मजार पर आते और बहुत दान दक्षिणा चढ़ाते। उन भक्तों में एक बंजारा भी था, वह बहुत ही गरीब था। इसके बावजूद वह नियमानुसार उस मजार पर आता, रोज माथा टेकता, फकीर की सेवा करता और फिर अपने काम पर चला जाता। उस बंजारे का कपड़े का व्यवसाय था। गरीब होने की वजह से वह कपड़ों की भारी पोटली कंधों पर टांगता और सुबह से शाम तक गलियों में फेरी लगा लगा कर अपना व्यवसाय करता। एक दिन फकीर को उस बंजारे पर दया आ गई और उसने अपना गधा उसे भेंट कर दिया। बंजारा उस गधे को उपहार के रूप में पाकर बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि उसके जीवन की आधी समस्याएं हल हो चुकी थी। वह क्या करता, अपने पूरे कपड़े उस गधे पर लादता और गली गली फेरी लगाकर अपना व्यवसाय करता, और जब वह खुद भी थक जाता तो वह खुद भी उस गधे पर बैठ जाता। यूं ही कुछ महीने और वर्ष बीतते गए और उसका व्यवसाय तरक्की करता गया। एक दिन अचानक उसके गधे की मौत हो जाती है। बंजारे के ऊपर तो जैसे दुखों का अंबार टूट पड़ता है। बंजारा बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। और यही सोचकर वह उस मृत गधे को उचित स्थान पर दफना देता है, उसकी कब्र बनाता है और उसी कब्र के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। समीप से जा रहे एक व्यक्ति जब उसको देखता है तो उसको ये प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति इस मिट्टी के पास बैठकर क्यों रो रहा है। जरूर ये किसी संत की मजार है, तभी यह आदमी अपना दुख रोना इस मजार के सामने सुना रहा है, और निश्चित ही तौर पे यहाँ कोई चमत्कार होगा। यही सोचकर वह व्यक्ति भी कब्र पर आता है और माथा टेकता है और अपनी मन्नत मांग कर आगे बढ़ जाता है। कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वह खुशी के मारे गांव-गांव जाकर ये डंका बजाता है कि अमुक स्थान पर एक बहुत बड़े फकीर की मजार है, वहां जाकर जो भी कोई अरदास करता है उसकी मन की मुरादें पूरी हो जाती है। यह खबर सभी गांवों में बिजली की तरह फैल जाती है। उस दिन से उस कब्र पर लाखों भक्तों का तांता लगने लगता है। दूर दराज से भक्त अपनी मुरादें लेकर उस गधे की कब्रगाह पर आने लगते हैं। बंजारा यह सब तमाशा देखकर हतप्रभ हो रह जाता है, क्योंकि लोग अपनी मुरादें मनवाने के लिए रोज वहां पे हजारों रुपए की चढ़ावा चढ़ाने लगते हैं। उसका तो जीवन में जैसे चांदी चांदी हो जाती है, बैठे बैठे उसे कमाई का एक साधन मिल जाता है। एक दिन वही फकीर जिसने उस बंजारे को गधा उपहार में दिया था, वह उस मजार के पास से गुजरते रहते हैं। उन्हें देखते ही बंजारा उनके चरण पे गिर जाता है और कहता है, प्रभु आपके गधे ने तो मेरी जिंदगी बना दी। जब तक जीवित था मेरे रोजगार में मेरी मदद करता था, और अब मरने के बाद मेरी जीविका का साधन बन गया है। देखिए, आप यहाँ हजारों लाखों लोग रोज आ रहे हैं इसकी मजार पे दर्शन करने के लिए, और हजारों रुपयों का इसमें चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। फकीर जोर से हंसते हुए कहता है, बच्चा जिस मजार पर तू नित्य माथा टेकने आता था वह मजार इस गधे की माँ की थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी का मेन तात्पर्य समझ में आया होगा। इस अंधविश्वास की कहानी और गधे की कब्रगाह से आप कुछ सीखेंगे। यदि आपने इस कहानी से कुछ मैसेज लर्न किया है तो प्लीज आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करके हमें बताइए। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल बी अपडेटेड बाय द न्यू स्टोरी एवरी डे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैनल।